अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग 10th क्लास का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है फ्लो चार्ट्स के बारे में। फ्लो चार्ट्स कैसे बनता है, इसके हमने लास्ट टाइम सिंबल्स जो है वो पढ़ लिए थे लेक्चर में, बट अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि फ्लो चार्ट को कैसे बनाया जाता है, कैसे इसमें इनपुट्स डाली जाती हैं, कैसे इसे स्टार्ट किया जाता है, कंडीशंस कैसे लगाई जाती हैं। तो जो हमने पहले एल्गोरिथम पढ़े थे उन्हीं को हम लोग क्या करेंगे, फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, हमने ये वाला जो एल्गोरिथम है, फ्लो चार्ट है, इसको पहले कर लेते हैं। क्या है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का जो सम है उसको कैलकुलेट करने का हम लोग क्या करेंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो ये बेसिकली उसी से रिलेट करता है जो लास्ट आपने एल्गोरिथम पढ़ा था, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, एक और ये चीज है कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, ताकि आप लोग फौरी तौर पे जो है अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर सकें। तो उसके लिए आपके पास ये है कि सबसे पहले हम लोग, अगर मैंने जैसे कि पहले एल्गोरिथम में बताया था कि फ्लो चार्ट क्या होता है, कि फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। एक तो हमारे पास सम का बॉक्स होना चाहिए, जहां पे हमने उसको रखना है, जहां पर हमने उसका सम कैलकुलेट करना है। तो उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए कि वो नंबर होना चाहिए जहां से हम इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इस नंबर को स्टार्ट करना है तो वो कहां से करना है। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम कि स्टार्ट जो सिंबल है ये ओवल टाइप का सिंबल है, ये क्या होता है, स्टार्ट के लिए यूज होता है। उसके बाद इसमें जो रेक्टेंगल है ये किस लिए होती है, प्रोसेसिंग के लिए, और ये भी आपके पास रेक्टेंगल है, ये भी प्रोसेसिंग के लिए, ये भी प्रोसेसिंग के लिए, और ये भी आपके पास क्या है, डिसीजन है कंडीशन के लिए, और ये क्या है आपके पास प्रिंट सम किस लिए होता है, आपके पास आउटपुट के लिए, किस लिए होता है ये, आउटपुट और इनपुट के लिए। ठीक हो गया। तो उसके बाद आपके पास ये है कि अगर हमारे पास दोनों हमने नंबर्स ले लिए हैं, उसमें रेक्टेंगल में ये प्रोसेसिंग के लिए ये भी ले लिया है, उसके बाद हमने क्या करना है कि जो पहला जो नंबर है उसमें क्या कर दिया है, n इज इक्वल टू n प्लस 1 कर दिया है। अगर यहाँ पर जीरो है तो आपको पता है कि जब ये कंडीशन इवैल्यूएट होगी तो जीरो प्लस वन क्या होगा, वन हो जाएगा, विच मीन्स कि हमारे पास जो n की वैल्यू है वो अब क्या हो गई है, वन। तो अगर n की वैल्यू 1 है तो पहला जो सम कैलकुलेट हो गया, तो सम की वैल्यू कितनी है, 0, और 0 के बाद क्या हुआ, हमने सम प्लस n करके इसको क्या कर दिया, आपस में ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास जो रेक्टेंगल सिंबल है, जब प्रोसेसिंग की बात हो रही होगी, इनपुट नहीं हो रही है, प्रोसेसिंग है, हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ये रेक्टेंगल सिंबल इस्तेमाल होंगे, हम एरोस के साथ इनको आपस में ज्वाइन करते रहेंगे। जो जो आपकी लिस्ट ऑफ स्टेप्स है, आप एरो लगाएं इसमें, रेक्टेंगल में लिखते हैं, फिर एरो लगाएं, फिर रेक्टेंगल में लिखते हैं, फिर एरो लगा के फिर रेक्टेंगल में लिखते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना, तो फिर आपने इसको कंडीशन को चेक करना है। कंडीशन क्या होगी कि आपने नंबर कितने करने हैं, टोटल कैलकुलेट फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। तो आप यहाँ पर जरा देखें कंडीशन क्या है, वो कह रहा है कि इज एन इज इक्वल टू 50, क्या एन जो है वो 50 के बराबर है, अगर हो जाए, अगर एन क्या हो वो 50 के बराबर हो जाए, ठीक है, तो फिर क्या कर दो, उसका जो सम है वो कैलकुलेट कर दो, अदरवाइज ये रेपिटेशन जो है परफॉर्म होती रहेगी, कब तक, अप टू 50 नंबर्स। तो आप ये देख लें, उसके बाद डिसीजन सिंबल है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कंडीशन के लिए यूज होता है, जिसमें एक इनपुट होती है और उसकी आउटपुट कितनी होती है, 2। इन केस ऑफ नो वो दोबारा से रिपीट होगा, इन केस ऑफ यस क्या होगा, फिर ये क्या होगा, उसमें प्रिंट सम होगा। अब क्या होगा कि पहली बार आपके पास जो नंबर है वो क्या है, फॉर एग्जाम्पल एन है, तो 0 प्लस 1 हुआ तो क्या आ गया, 1। अब एन की वैल्यू क्या होगी, 1, तो 1 के बाद चेक हुआ तो हाँ कंडीशन ट्रू है, ये वापस चला जाएगा, वापस जाने के बाद अब n की वैल्यू कितनी होगी, 2, तो n की वैल्यू यहाँ पर 2 है, सम कितना है, 1, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास, 3, और इसी तरह फिर नेक्स्ट कंडीशन चेक होगी, तो फिर क्या होगा, नेक्स्ट कंडीशन जब चेक हुई तो आपके पास क्या हो गया, 2 चेक किया, फिर इसी तरह 3 हो जाएगा, फिर 3 इसमें ऐड हो जाएगा, फिर चेक किया, तो ये अप टू 50 नंबर्स तक इसे एवेल्युएट होने के बाद, तो फिर सम में कोई जो वैल्यू आ जाएगी, जितनी भी इसका सम बनता होगा वो क्या हो जाएगी, वो यहाँ पर हम लोग इनपुट आउटपुट जो सिंबल है वो किसका सिंबल है, पैरेललोग्राम का जो सिंबल है, उसके जरिए हम लोग इसे डिस्प्ले करेंगे, और डिस्प्ले करने के बाद ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, जो फ्लो चार्ट है वो आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली प्रोसेसिंग को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे यूज करते हैं। तो उसके बाद आपके पास जो है दूसरी एग्जांपल है, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का फैक्टोरियल फाइंड करते हैं, तो फैक्टोरियल मैंने लास्ट भी आपको बताया था कि किसी भी नंबर से पहले जितने भी उसके मल्टीपल्स होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें,
ठीक है, मल्टीपल्स का मतलब जितने भी नंबर्स पहले होते हैं उनको अगर आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या कहलाता है, फैक्टोरियल। जैसे कि 3 है, 3 से पहले क्या आता है 3 to 1, तो 6 इसका क्या होगा फैक्टोरियल। 4 है तो 4 से पहले क्या आते हैं 3 to 1, 4 to 10, 12 to 24, तो 24 क्या होगा 4 का फैक्टोरियल। इसी तरह अगर आपके पास 5 है तो 5 से पहले कितने नंबर आते हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 120 के इक्वल ये रिजल्ट आपका आ जाएगा। ठीक है, आप खुद से और नंबर्स को भी लेके ट्राई कर सकते हैं। सो आपके पास क्या होगा, स्टार्ट करें सबसे पहले, उसके बाद फैक्ट हमेशा 1 होगा जो कि हमने किस में लिखा है। अगर आपको एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरी प्रीवियस जो लेक्चर नंबर 6 देख सकते हैं, उसमें मैंने एल्गोरिथम के बारे में ये कंप्लीट जो है अच्छी तरह से गाइड कर दिया है। तो फैक्ट कितना होना चाहिए आपके पास 1 के इक्वल, और उसके बाद n जो है वो भी कितना होना चाहिए 1, इनिशियल जो नंबर होगा वो क्या होगा 1। फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 का भी जब फैक्टोरियल लेंगे तो वो कहां से स्टार्ट होगा 1 से। 10 का फैक्टोरियल लेना है तो वो भी कहां से स्टार्ट होगा 1 से। तो n शुड बी 1 इन फैक्टोरियल। और फैक्ट में भी क्या होना चाहिए, जो प्रीवियस सम होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए बल्कि 1 होना चाहिए, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद आपके पास है रीड नम। रीड का मतलब ये है कि इनपुट करवाई जाएगी उसको, इनपुट क्या करवाई जाएगी वो नंबर जिसका आप फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि मैं फैक्टोरियल फाइंड करना चाहता हूँ 4 का, तो मैंने यहाँ पर 4 एंटर कर दिया है। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले फैक्ट की वैल्यू कितनी है 1, n की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो fx की वैल्यू पहली बार क्या आ गई 1। अब n की वैल्यू कितनी थी जी, सबसे पहले 1 तो 1 प्लस 1 जी कितना आ गया 2। तो अब आपके पास जो है नेक्स्ट नंबर आ गया 2, तो इज n ग्रेटर देन नम, जो 2 है क्या वो 4 से ग्रेटर देन है, क्योंकि नम की वैल्यू तो हमने 4 ली हुई है। तो यहां पर चेक होने के बाद अगर चे वैल्यू क्या होगी, क्या होगी अगर आपके पास ग्रेटर देन नम होगी, अगर इन केस ऑफ यस मतलब इससे बढ़ गई फिर तो प्रिंट फैक्ट का रिजल्ट आ जाएगा। जब तक नो होगा ये वापस जाएगा, वापस जाने के बाद n की वैल्यू क्या होगी थी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा, 2 वंस आर 2, और उसके बाद क्या होगा n की वैल्यू में फिर इंक्रीमेंट होके 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 होने के बाद 3 चेक करेगा, फिर भी कंडीशन क्या है आपके पास फॉल्स है, तो फिर वापस जाने के बाद फिर यहाँ पर क्या होगा फैक्ट, फैक्ट में क्या था आपके पास 2 और नेक्स्ट वैल्यू क्या थी 3, 3 टू 6, तो अब फैक्ट का रिजल्ट कितना आ गया आपके पास 6। तो फैक्ट का रिजल्ट 6 आ गया है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है n प्लस 1 कितना आ जाएगा 4, तो फिर 4 यहाँ पर n, तो यहाँ पर 6, तो 4 6 कितना आएगा 24, और 24 प्रिंट होने के बाद ये किस में रिस्टोर हो जाएगा आपके पास फैक्ट में, तो यहाँ पर एक और इंक्रीमेंट होगा जो कि क्या होगा n इज इक्वल टू n प्लस 1, तो जिससे क्या होगा हमारी वैल्यू 5, तो 5 में क्या होगी कंडीशन फॉल्स, और फॉल्स में हमारे पास ये जो आउटपुट सिंबल है किसका फ्लो चार्ट का, तो उसके जरिए हमारे पास फैक्ट में क्या हो जाएगा 24 रिजल्ट है तो वो प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद ये जो ओवल सिंबल है ये क्या हो जाएगा इसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये तमाम सिंबल्स हैं, कुछ इसमें प्रोसेसेस हैं, ये स्टार्ट सिंबल है, उसके बाद ये प्रोसेसिंग हो रही है दोनों जो है, और उसके बाद ये इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम है ये प्रोसेसिंग है, उसके बाद ये डायमंड सिंबल है, और उसके बाद ये क्या है आपके पास इनपुट आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम है, और ये क्या है आपके पास एंड सिंबल। तो इस तरह आप लोगों ने क्या करना है, इस एग्जांपल को अच्छी तरह से बार बार देखना है, वीडियो को देख लें अच्छी तरह से समझ लें एग्जांपल को, फिर आप लोग इसे राइट करने के बाद मुझे सेंड करें। आपका आज का यही काम है, इसको अच्छी तरह से क्लीनली कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है इससे रिलेटेड जो है वो आ रही होगी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह।